कस्बा पोहरी में पायोनियर हाइब्रिड बीज कंपनी द्वारा किसानों को यातायात नियमों की शपथ दिलाकर हेलमेट वितरण का सुरक्षित यात्रा करने का वचन दिया, जिसमें जिला प्रतिनिधि गौरव शर्मा एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि किशन झा की देखरेख में थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन द्वारा क्षेत्रीय किसानों को हेलमेट पहनाकर सुरक्षा का वचन दिया गया। इस अवसर पर जिन किसानों को हेलमेट दिया गया, दौलत राम धाकड़, प्रकाश धाकड़, चंदन सिंह धाकड़, सतीश धाकड़, वीरेंद्र धाकड़ एवं अन्य किसान मौजूद रहे। पायनियर हाइब्रिड बीज कंपनी किसानों को हाइब्रिड बीजों के साथ में अधिक पैदावार दिलाने एवं उनके हित में अति उत्कृष्ट तरीके से कार्य कर रही है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या आपने पायनियर बीज कंपनी का जो बीज इस्तेमाल किया और उसमें अच्छी पैदावार ली? दूसरा क्या है कि मैडम, हम जब भी गाँव में जाते हैं और किसानों के बीच में हम जब भी अपने बीज के बारे में जानकारी देते हैं, उससे पहले हम एक 10 से 15 मिनट का अपना एक सेफ्टी के बारे में किसानों को जरूर अवगत कराते हैं कि आप लोग जब भी अपने घर से बाहर निकल के जाएं, ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग, तो बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे क्योंकि घर वाले जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो हमारा परिवार इंतजार करता है कि हमारा आदमी शाम को सुरक्षित अपने घर पर लौट के आए, उनका पूरा परिवार उनका इंतजार करता है ना। तो बाइक पर जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग अपना हेलमेट का इस्तेमाल करें, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य आप लोग लगाएँ। दूसरा क्या है कि आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे जो नाजुक हिस्सा होता है, नाजुक भाग होता है, वो हमारा सर होता है, ठीक है। तो अगर हमारी बाइक कहीं भी स्लिप होती है, गिरती है, तो सबसे पहले मान के चलिए अगर आपके हाथ में भी चोट लगती है तो वो ठीक हो भी जाएगा, लेकिन अगर कहीं भी सर में हमारे में चोट लगती है तो वो बहुत सेंसिटिव भाग होता है, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। मैम, आज किसानों को हेलमेट एक संस्था द्वारा वितरित किए गए हैं और आपके द्वारा भी उन्हें एक इस संबंध में जानकारी दी है, क्या कुछ कहा है आपके द्वारा? यातायात के नियमों को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का यही हम लोगों को निर्देशन रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नियमों को समझाइए। उसी के तहत हम लोगों द्वारा इनको जानकारी दी गई है कि हेलमेट लगाने से कैसे आपकी जान बच सकती है, क्योंकि जो बॉडी का सबसे वैसा हिस्सा है जिससे जान जा सकती है वो सर है, और सर में चोट के कारण ही अधिकांश लोगों की मृत्यु होती है। इस कारण इसकी बहुत उपयोगिता है, आप इसको लगाइए, यातायात के नियमों का पालन कीजिए और सुरक्षित अपने परिवार वालों से मिलिए, यही उद्देश्य है।